दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर। ईपीसीए ने दिल्ली में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। आज भी कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार। दिल्ली में 5 नवंबर तक सभी स्कूल और निर्माण कार्य बंद रखने का आदेश। सरकारी दफ्तरों का समय भी बदला। पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। हलफनामे में पराली जलाने को प्रदूषण की मुख्य वजह माना। साथ ही कहा दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में 2016-18 के बीच पराली जलाने में 41% की कमी आई। पीएमसी बैंक घोटाला बना जानलेवा। अब एक और अकाउंट होल्डर की हार्ट अटैक से मौत। घोटाले में अब तक 7 अकाउंट होल्डर्स की जान गई। झारखंड में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में वोटिंग। 23 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कश्मीर की स्थिति पर चिंता जताई। कहा हालात सुधरना जरूरी। ऑड इवन योजना को लेकर दिल्ली में 2000 अतिरिक्त बसें तैनात। दिल्ली मेट्रो भी 61 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% के स्तर पर पहुंची। 3 साल का सबसे उच्चतम स्तर। और ट्राई का सभी मोबाइल और लैंडलाइन कंपनियों को आदेश। कहा इनकमिंग कॉल में मोबाइल पर 30 सेकंड और लैंडलाइन पर 60 सेकंड तक रिंग बजना जरूरी।